किसी भी थ्री डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कराना बहुत ही आसान होता है। एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास लिखा हुआ है 314 और उसका मल्टीप्लाई आपको 11 से कराना है। पहली डिजिट लिख लीजिए, लास्ट डिजिट लिख लीजिए, इन दोनों को ऐड कराओगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 4, 4 और 1 ऐड कराओगे तो 5, ये आपका आंसर बन जाएगा। फिर से मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 231, इसका मल्टीप्लाई आपको 11 से कराना है तो सबसे पहले पहली डिजिट लिख लेंगे, लास्ट डिजिट लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2541। फिर से मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 528 और इसका मल्टीप्लाई आपको 11 से कराना है, पहली डिजिट लिख लेंगे, लास्ट डिजिट लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा 10, 1 अभी कैरी बचा हुआ है, 5 और 2 को ऐड कराएंगे तो यहां पर आएगा 7, 7 और 1 जो कैरी था ये मिलकर बन जाएगा 8, 5808 बच्चों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।